राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के विभिन्न संस्करण का राजभवन में किया लोकार्पण। विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी बताया उपयोगी। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में अभयपुरा ग्राम पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत रहे मौजूद। प्रतापगढ़ में निर्वाचन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है कैप सर्वे। मतदाताओं को सामान्य ज्ञान, आचार संहिता और चुनाव संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के लिए किया जा रहा है जागरूक। चित्तौड़गढ़ में फरवरी माह में प्रस्तावित लोक अदालत के संबंध में आयोजित की गई महत्वपूर्ण बैठक। अपर जिला सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी रहे मौजूद। चूरू जिले में 80 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रोन के माध्यम से फसलों पर किया नैनो यूरिया का छिड़काव। ड्रोन छिड़काव के माध्यम से किसानों को किया जा रहा है लगातार जागरूक। उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ में आयोजित किया गया पेटेंट डिजाइन की जागरूकता पर विषय पर एक वेबिनार। कुलपति की मौजूदगी में विभिन्न विशेषज्ञों ने बौद्धिक संपदा को बताया विशेष अधिकार। प्रतापगढ़ में अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के लिए बैठक। विभिन्न अधिकारियों से राज्य की अलग अलग योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन के लिए जानकारी। धौलपुर में शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत कार्यवाहक जिला कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। शहर की पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के भी दिए निर्देश। उदयपुर की एनडीआरएफ टीम ने फतेह सागर पाल पर आयोजित किया मॉक बचाव अभियान। अपने साथ आए विभिन्न उपकरणों और नावों के साथ सफलतापूर्वक सामंजस्य का किया प्रदर्शन। चूरू जिले के सांडवा ग्राम पंचायत में एसडीएम ने फसल खराबे का लिया जायजा। तहसीलदार और कृषि अधिकारियों से मौसम के प्रकोप की भी ली जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ट्रेड फेयर फितूर 2023 आज से स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हो रहा है आयोजित। राज्य के आरटीडीसी चेयरमैन के साथ पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ट्रेड फेयर में हो रहा है शामिल। उदयपुर में राज्य के शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर। उदयपुर नगर निगम के टाउन हॉल में दी गई विभिन्न प्रस्तुतियां। जयपुर के कनोड़िया महाविद्यालय में प्रख्यात पत्रकारों और प्रबुद्धजनों के बीच हुई परिचर्चा। कार्यक्रम का विषय था लोकतंत्र पर मास मीडिया का प्रभाव। भारत न्यूजीलैंड एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारतीय बैटर शुभमन गिल ने बनाया करियर का पहला दोहरा शतक। पहले खेलते हुए भारत ने न्यूजीलैंड को दिया 350 रनों का लक्ष्य। और राज्य में अगले 48 घंटे यूं ही बने रहेगा शीतलहर का प्रकोप। मौसम विभाग ने कई मैदानी इलाकों में पारा बढ़ने की जताई संभावना।